आप खुशी होगी कि सितंबर में सुनो की बलिका प्रभात मोती जो क्या बजाते जब सॉन्ग प्रभु के भजन बोती है तो उसके सिर के ऊपर पंछी खड़े हो जाते हैं। ये पहले दिन के लिए जिसके सिर के ऊपर पंछी खड़े करते हैं। और आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जो सिंगर है आप जानते हैं सभी शहराने जो लोग भी जानते होंगे बहुत एक जिसको आठवां झूमा किया जाता है और जो कि लता मंगेशकर के सामने अपने हाथ के लिए कि मैं ऐसे सॉन्ग मैं भी नहीं बोल सकती आज तक मैंने भी अपने सिर पर पंछी नहीं खड़े किए। आप जानते हैं कि प्रभात मोती स्प्रेड अब तो ज्वाइन करने के लिए सितंबर में हमारे फिरोजपुर में आ रही है और हम उसकी अपने कानों से उसकी आवाज को सुन भी सकते हैं और सबके जो 15,000-20,000 लोग बैठे होंगे उस लोगों में वो अपने स्प्रेड अवर को ज्वाइन करेगी और सबके सामने वो अपने फॉर्म को फिल करेगी। आप जानते हैं हमारे पेट अवर की खुश है जो कि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं जो कि हमको टाइम है कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बीच में जो पास्टर सैम है और सितंबर में जो प्रभात मोती है उनके खुद इनके फॉर्म फिल करेंगे स्टेज पे और इनको अपने साथ में ज्वाइन करेंगे पेट अवर और भी बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं जो कि पेट अवर के साथ ज्वाइन हो चुके हैं और प्रभु ने चाहा तो इनमें बन जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत सारे वहां पर जो कि रोजगार खुलेंगे जो कि पास्टरों के साथ आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा वो जो अपने लड़के लड़कियां देंगे उस प्रेयर आवर में आपको 24 घंटे प्रेयर के लिए कुछ ड्यूटी लगाई जाएगी उस पे आप लोग रोजगार भी मिलेगा प्रभु बहुत सारी आशीष देगा और आपके लिए जो कि वो 24 घंटे प्रार्थना भी होगी। और सितंबर के बाद आपको बनाने जा रहा हूँ कि सितंबर के बाद नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे जो दुबई में बहुत सारे जो प्रीचर है यहाँ पर इकट्ठे होंगे कम से कम 10 लोग यहाँ पर आएंगे जो कि इस प्रेयर आवर का जो हमें बनाया वो जगह देखने आएंगे जगह देख कर उसके बाद में प्रेयर आवर की बिल्डिंग को स्टार्ट कर देंगे और जो कि वहां पर जो काम करने वाले हैं जो कि यहाँ पर कोई मिस्त्र होगा कोई मिस्त्री होगा कोई लेबर होगा वो भी दुबई से लाए जाएंगे चाहे वो इंजीनियर है चाहे वो पीएम है कुछ भी है पूरा जो प्रोजेक्ट होगा वो दुबई चैन पे टावर का होगा। वे खुद आपको बिल्डिंग खड़ी करके दे देंगे आपको बोलेंगे यहाँ पर रहो आपको प्रभु आशीष देगा आपको प्रार्थना भी कराएगा और ये खुशी आपके सामने आएगी आपने और आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत जो कुछ सालों के बाद आपको ऐसे ऐसे दुबई चैंपियन टावर को ऐसे ऐसे आपको लोगों को आपके सामने ला देंगे जिनको अभी तक आप टीवी में देखे हैं अभी तक टीवी में देखते ना बहुत सारे लोगों को मगर आप फेसबुक आप उनको नहीं देखे मगर आप देखेंगे दुबई चैंपियन टावर आपके सामने ला के उनके बीच में खड़ा करेगी जिनको अभी तक आपने सिर्फ पिक्चर में देखा है टीवी में देखा है। और बहुत सारे जल्द जो प्रभु यीशु मसीह की आशीष प्रभु अनुग्रह आपके ऊपर करने जा रहे हैं आज बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी होगी उनकी प्रार्थना होगी जब आपके लिए भविष्यवाणी होगी तब आपके से रिक्वेस्ट है कि आपने उनको ध्यान से सुना और अपनी आवाज में ऊंची आवाज में प्रेरित करने की आपके लिए भविष्यवाणी होगी जब भविष्यवाणी होगी आपको ध्यान से सुने कि प्रकाश देने को प्रभु का आत्मा आपके लिए क्या बोल रहा है उसको जाकर आप घर पे लिख भी सकते हैं और उसके बाद में आप जब नेक्स्ट ईयर जब आपकी यहाँ पर मीटिंग होगी प्रभात मोती की तो आप लोग वहां पर उसको टेस्टिमनी दे सकते हैं जब आप प्रभु की गवाही देते हैं तो प्रभु आपकी जिंदगी और भी ज्यादा चमत्कार करेगा। और अभी मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ और मैं अभी बहुत ज्यादा बदल प्रकाश देने को ऊपर बुलाऊंगा और हम उनके लिए बहुत सारे मैसेज को सुन सकते हैं और प्रभु के आनंद ले सकते हैं और आज समय है कि बहुत सारी आशीष की प्रभु आपको देने जा रहा है बहुत सारे लोग जो मरीज अच्छे होने वाले हैं जो बीमार है वो अच्छे होंगे जो अंधे वो देखेंगे और जो लंगड़े वो चलेंगे जिसके पांव छोटा है वो प्रभु यीशु मसीह का इतना अनुग्रह होगा कि उनके पांव को प्रभु ठीक करेगा। कोई भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को छुएगा वो चंगाई को पाएंगे। अभी मैं प्रभु प्रकाश दिन आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर प्रकाश दिन के लिए कम ऑन द स्टेज सारे ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया जानते प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है
बहुत जल्द प्रवीण सिंह साड़ी जिंदगी आनंद और खुशियां लेके आ रहा है। अली शाम बहुत सारे लोग आनंद पा रहे हैं। चमत्कार किया, बीमारियां दूर किया, जिन्हें बोले प्रभु यीशु मसीह ने कानून
खोल के उन्होंने चंगा किया। Yesterday night also I feel lot of people received miracles। अते कल जब मैं प्रभु दी रात में हुई बहुत सारे मैंने प्रभु यीशु की आत्मा ने दस है कि बहुत सारे लोग चंगे हो गए सी। Tonight do not leave this opportunity। अते आज की शाम तुसी अपनी जिंदगी विच गवानी नहीं है। Hallelujah! Hallelujah! Do not miss this opportunity. तुसी अपने जिंदगी में चेस समागवाना नहीं है। And then I'm going to pray for you. Want to release a prophetical word? तू जान दे कि मैं तो आदेश प्रार्थना करूँगा तो शब्द चलाएंगे बहुत तरह शब्द परमेश्वर दे तो आदेश बिचारेंगे। And also after a song played, I'm going to pray and I'm going to tell what the Lord has told to me. अते जब इस गीत तो बाद बताने दसांगा कि की तो आदेश जिंदगी में प्रवेश की चमत्कार करने जा रहे तो आदेश भविष्यवाणी होगी। Not only for you. For your family, सिर्फ तारे परिवार ली नहीं, and also for the state, for this nation. परंतु इसमें देश ली भी दर्शाऊंगा, इस शहर ली दर्शाऊंगा तो विचकर के अच्छे काम होने जा रहे हैं, and also for the city of Ferozpur. अतः मैं इस फरीदपुर से भी भविष्यवाणी करूंगा, बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर आत्मा से करने जा रहे हैं. I really thank you from my bottom of my heart. अतः मैं अपने जिंदगी अपने शब्द विच बहुत सारे अपने खड़ा करके धन्यवाद करता हूँ for having me. अतः मैं अपने लिए मैंने स्वर्ग विच देखी है. Such a blessing for me. अतः मैं भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने बहुत सारी आशीष मैंने दी थी. And I'm thanked by brother Anthony for having me. अतः मैं अपने भी धन्यवाद इन्हें भी धन्यवाद करता हूँ ब्रदर थोड़ी दा. And also for his passion for his the work for God. अतः मैं बहुत खुशी है कि ब्रदर थोड़ी यानी मैं है कि वो सारे परमेश्वर का काम कर रहे हैं. And also as the end, he is a son for your family. अतः ये अपने मेरे फैमिली के बीच एक लड़का है जिसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया. And also he has interested in child bring prayer together networking. अतः सानू जिन्हें कि बहुत सारे ऐसे प्रेट आवधि शौक है बहुत सारा है कि ऐसे प्रेट आवधि खड़ा करिए. You know I'm very happy about one of the scripture when I read in the flyer. अतः जान दे कि मैं बहुत सारा खुश हुआ इस प्रेट आवधि शब्द में सुन के. The word of says that. अतः परमेश्वर के शब्द में लिखा है. John chapter 15 verse 7. अतः यूहन्ना 15 7 में लिखा है. Says that if you remain in me. अतः परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे विच बने रहो. And my words remain in you. अतः मेरे शब्द मेरे विच बने रहो. And ask whatever and it will be given to you. अतः जो कुछ तू ती मांगोगे परमेश्वर से तुम्हारे लिए कर देगा. हालेलुया. John 15 chapter is an amazing chapter. I love the chapter. अतः यूहन्ना 15:7 विच लिखे जो लिखा है मैंने बहुत सारा विश्वास है अतः प्रभु यीशु मसीह जीवन दी जो 15:7 तुम्हारी जिंदगी विच करेगा. This chapter teaches about Jesus is the vine and the branches. तू जानते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं इस ऐत विच बहुत सारे लोग आने जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी तो शराब ने बनाया. Three kind of fruits in this chapter. और तू जानते हैं इस शब्द में बहुत सारे तू तीन प्रकार के जो गिफ्ट है तू देख सकते हो. God expecting fruit from us. अते प्रवीषम से परमेश्वर आपको सारी बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है. Not only is expecting fruit. अते सिर्फ सारी गिफ्ट नहीं लेके आता. We have to bear more fruit for Him. अते बहुत सारे गिफ्ट प्रवीषम सारी जिंदगी में लेके आता है. And the Word of God says. अते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? If you remain in Him. यदि तुम मेरे बीच बने रहो. And the Word of God remain in you. परमेश्वर का शब्द तुम्हारे बीच बने रहे. You will bear much fruit for God. अते बहुत सारे परमेश्वर तो आनंद बहुत सारे गिफ्ट प्रवीषम से तुम देगा. What is fruit? जड़े फल है की है. For example, एक उदाहरण दी तरह my friend has a farm of 100 coconut trees. अते मेरे को जड़े बहुत सारे एक दुकान है जिधे विच बहुत सारे मेरे को मेंदा मालक हाँ. As he is the owner of this 100 coconut tree. अते जड़े फैक्ट्री है बहुत सारे शब्द है फ्रूट भी मेरे को है. What he expect as a owner? अते मैं जड़े उनका owner हाँ उनका मालिक हाँ. Every month he expect coconut from the tree. अते जान दे कि बहुत सारे जिधे मैं कि जिधे दरख्तों तो बहुत सारे फल लेके आना. Expect something fruits from the tree. अते बहुत सारे अच्छे अच्छे फल मैं दरख्तों तो लेके आना. So as God has created you uniquely everybody. अते तो हमें भी प्रवेश से बहुत सारे फल लेके आ रहे हैं. You can see in this world more than 650 crores people are living in this year. तो जानते बहुत सारे लोग हैं ते दुनिया में रह रहे हैं. You know, everybody top impression is different. अतः बहुत सारे लोग जिन्हें अलग अलग जिन्हें अपनी भाषा में बहुत सारे लोग नारा वरदान मिले हुए हैं. You may have a question in your life. अतः सारी जिंदगी जी बहुत सारे सवाल उठते हैं. Why God created me? अतः परमेश्वर ने सानू क्यों बनाया है? Why God created me? अतः परमेश्वर ने सानू क्यों बनाया है? According to John chapter 15. जब हम इसे यूहन्ना 15 में देखते हैं. You know, why God created you? अतः परमेश्वर ने सानू क्यों बनाया है? God created you that you may bear much fruit.
fruit for him. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ What is fruit? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਲ ਹੈ ਕੀ ਹਨ Your gift. ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਕ gift ਹੈ Your talent. ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਕ talent ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ The gift and talent God has given you, you have your bearing fruit in such a way. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ gift ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ I know everybody I know when I first time 2008 visited Punjab to jaande 2008 vich jadon main Punjab vich aaya you know I realized the Punjab is music was amazing to jaande parmeshwar de jehde geet bhajan bole han bahut sare anand wale han I realized my god how terrible how their people are singing like anything ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਟੁਡੇ ਆਲਸੋ ਆਈ ਸੀਨ ਏਵਰੀਬਾਡੀ ਹੂ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਗਜ਼ਾਲਟਿੰਗ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਗੋਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇਟਸ ਅ ਫਰੂਟ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਥਰੂ ਯੋਰ ਫਰੂਟ ਯੋਰ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਗੋਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਹੈ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੋਡ ਹਸ ਗਿਵਨ ਯੂ ਦ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਿਫਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਟੈਲੈਂਟ ਫਾਰ ਗੋਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ You know what happened? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? The Father in heaven is glorified. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ because you not only bear fruit ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ because you not only bear much fruit for God ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ you are bearing more and more and more and more fruit for God ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ whatever you ask in his name ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਹalleluya hallelujah 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 so before I am going to the word of god ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ I just invite brother michael ਅਤੇ ਮੈਂ brother michael ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ that he is an amazing singer when I hear him first time ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ brother michael ਦਾ song ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ song ਹੋ ਗਿਆ also you know I really thank see he's worked very hard for this meeting also ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ I just encourage him ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ this to come he will sing many songs for god ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬੋਲੋ and reach many souls ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ I tell you everybody in this place ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ you are the light of your own town ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ you carry jesus as a light through your town to your neighbors to your friends to your work atmosphere ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ so I encourage you use your talent use your gift what the lord has placed in you ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ as and now brother michael will sing a song then I'll start my preaching then I'm going to pray for you all ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ brother michael ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਗੇ ਇੱਕ ਗੋਤ ਵੀ ਸੌਂਗ ਬੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ so let's welcome michael now ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ brother michael ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਬਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਬਜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆਰਮੀ ਚ 17 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕਲ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੋਆ ਦਾ ਆ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਣਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਣਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
देखो इंसान एक गलतियां का क्यों है पुतला है, गलतियां होंदिया ने, बड़िया रुकावट आई पेंशन आने के भी, लेकिन खुदा ने सारी रुकावटों दूर कर दिता। अज जिहड़ा है इन्नी वड्डी जिहड़ी इबादत जिहड़ी है खुदा की मर्जी नाल हुई है, क्योंकि जदों मैं पेंशन आया पाकिस्तानी गीत है यीशु ने सलीब उत्ते दित्ती जदो जान है कम नजात वाला, तुसी पहले ही सुने कदी कर ली दीप दिया।